हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लखनऊ नामा अकेडमी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको जितने भी नोटिफिकेशंस हैं लेक्चर्स की अपडेट तुरंत मिलते रहे। जैसे लेक्चर्स आए वैसे वो आप तक भी पहुँच जाए। ओके, एंड वन मोर थिंग दैट फॉर द ओल्ड नोट्स पीवाई सेशन मेंटोरिंग सेशन के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, एंड रजिस्ट्रेशन की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। आज का ये लेक्चर रहने वाला है बॉटनी के स्टूडेंट्स के लिए। दिस इज़ अ लेक्चर नंबर 3। और इससे पहले के लेक्चर्स मैंने करेक्टरिस्टिक्स, जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस, सिम्टम्स के बारे में बता दिया। ये क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वायरस रहने वाला है, ठीक है। यूनिट 1 का सिलेबस है, सेमेस्टर 1 का। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट वायरस थ्योरी जो है, पहली थ्योरी जो ये बताती है कि प्लांट वायरस का कैसे क्लासिफिकेशन हुआ, किस बेसिस पर प्लांट वायरस को हमने क्लासिफाई कर दिया। तो पहली चीज़ है आपकी नेचर ऑफ जीनोम, वायरस के जीनोम के हिसाब से उनका क्लासिफिकेशन हुआ। स्टैंडर्डनेस मतलब उसमें डबल स्ट्रैंड है या सिंगल स्ट्रैंड है, डीएनए में उनके डबल स्टैंडर्ड डीएनए है या सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए है, उसके अकॉर्डिंग उनका क्लासिफिकेशन हुआ वायरसेस का। फिर उनके मोड ऑफ रेप्लिकेशन में, मोड ऑफ रेप्लिकेशन में दो पाथवेज भी आते हैं, लाइसोजेनिक पाथवे एंड लैक्टिक पाथवे, वो भी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसी सेशन में। तो सबसे पहला जो पॉइंट था हमारा नेचर ऑफ जीनोम। नेचर ऑफ जीनोम में आपको पहले ही मैं बता चुकी हूँ, जब मैंने जनरल करेक्टरिस्टिक बताया था। अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में आपको जनरल करेक्टरिस्टिक्स, चाहे वो आपका ट्वेल्थ का एग्ज़ाम हो, अगर ये बच्चे देख रहे हैं तो, अगर आपका बीएससी एमएससी कोई भी एग्जामिनेशन होता है, जनरल एग्जामिनेशन भी होता है, ठीक है, तो भी आपको वायरस के बारे में अगर पता करना है तो आपको जनरल करेक्टरिस्टिक्स तो आने चाहिए, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। नेचर ऑफ क्लासिफिकेशन में पहला है नेचर ऑफ जीनोम। वायरस में मैंने पहले ही बताया है कि या फिर तो डीएनए होगा या फिर तो आरएनए होगा, दोनों साथ में नहीं प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो या फिर तो डीएनए है या फिर तो आरएनए है, तो उसके हिसाब से इनका डीएनए वाले वायरस अलग हो गए, आरएनए वाले वायरस अलग हो गए, ठीक है। उसके बाद डीएनए आरएनए अलग हो गया, अब उसमें भी स्ट्रैंड होना चाहिए। डबल स्ट्रैंड है, डबल स्ट्रैंड डीएनए है कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, डबल स्ट्रैंड आरएनए है कि सिंगल स्ट्रैंड आरएनए है, ठीक है, उसके हिसाब से भी अलग अलग कर दिया गया। तो वहाँ पे आपके कितने 5 तरीके के स्ट्रैंड दिखाई देने को मिलते हैं। न्यूक्लिक एसिड जो होता है मेनली, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सिंगल स्ट्रैंडर्ड और डबल स्ट्रैंडर्ड हो सकता है। न्यूक्लिक एसिड में आपका डीएनए और आरएनए आता है, जो कि सिंगल स्ट्रैंडर्ड और डबल स्ट्रैंडर्ड हो सकता है। तो पहला है आपका देखो दो तरीके के ही होते हैं, सिंगल और डबल, ठीक है, हैं तो दो तरीके के, सिंगल स्ट्रैंडर्ड। सिंगल स्ट्रैंडर्ड पॉजिटिव सेंस आरएनए हो जाता है, सिंगल स्ट्रैंडर्ड नेगेटिव सेंस आरएनए, नेगेटिव और पॉजिटिव, ठीक है, और डबल स्ट्रैंडर्ड आरएनए वायरस, ठीक है, फिर डबल स्ट्रैंडर्ड डीएनए वायरस, सिंगल स्ट्रैंडर्ड डीएनए वायरस। 5 तरीके के आपके स्ट्रैंड के अकॉर्डिंग आ जाते हैं वायरसेस। इनके सिर्फ नाम याद करने, अगर एमसीक्यू में दे दिया जाता है तो आपको पता रहे कि हाँ ऐसे ऐसे वायरस होते हैं, ठीक है, और इनमें कुछ ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद क्या है, देन आफ्टर आपका आता है ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रेप्लिकेशन, कि ये कैसे अपना पाथवे करते हैं, कैसे अपने अपने आप को रिप्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। उसमें इम्पॉर्टेंट है लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल। लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल क्या होती है, ये हो गए आपके तीन तरीके के, कि आपके तीन तरीके के मोड ऑफ रेप्लिकेशन हो गए। दो तरीके के मोड ऑफ रेप्लिकेशन देख लिया आपने पाथवेज, और ये तीन तरीके का आपका हो गया कि नेचर ऑफ जीनोम कैसा है, स्ट्रैंडर्डनेस कैसा है और मोड ऑफ रेप्लिकेशन। अब हम एक बार देख लेते हैं सिंगल स्ट्रैंडर्ड नेगेटिव सेंस और सिंगल स्ट्रैंडर्ड आपका पॉजिटिव सेंस आरएनए और आपका सिंगल स्ट्रैंडर्ड नेगेटिव सेंस आरएनए और पॉजिटिव सेंस आरएनए के बारे में बता देती हूँ। वायरस में मोस्टली आपका आरएनए दिखाई देता है, इसी वजह से मैंने आरएनए को एक्सप्लेन किया, और ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एमसीक्यूज में भी आता है। नेगेटिव सेंस होता है, अब नेगेटिव सेंस क्यों होता है, क्योंकि सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम से बना हुआ होता है। अब क्या होगा, मैसेंजर आरएनए जो होगा, मैसेंजर आरएनए प्रोड्यूस होता है जब एमआरएनए से आपका पूरा ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन का फैक्टर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद जो होता है वो आपका मैसेंजर आरएनए उस टाइम पर बनाता है। तो सिंथेसाइज होगा मैसेंजर आरएनए, वायरल एंजाइम होगा आपका, वायरल एंजाइम के थ्रू आपका एमआरएनए बनता है। वायरल एंजाइम क्या होता है, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज इज एंजाइम थ्रू विच नेगेटिव सेंस आरएनए मेकिंग देयर एमआरएनए। एमआरएनए मैसेंजर आरएनए होता है जो बाद में जाकर प्रोटीन सिंथेसिस करता है, ठीक है,
ट्रांसलेशन होता है, फिर ट्रांसक्रिप्शन का फैक्टर्स आते हैं। इतना तो आपको मेरे ख्याल से तो पता ही होगा। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि जब बेटा डीएनए या फिर आरएनए, कोई भी अगर आपका जेनेटिक मटेरियल होता है, उससे अगर आपका एमआरएनए बनता है, एमआरएनए बनता है, ठीक है, आरआरएनए से भी एमआरएनए बन सकता है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। फिर एमआरएनए से जब आपका प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन बनता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो एमआरएनए जब ये बनाता है तो वो नेगेटिव सेंस आरएनए बनाता है। अब जब नेगेटिव सेंस आरएनए ने बनाया तो किसके हेल्प से बनाया? आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से, जिसको आरडीपीआरपी भी बोलते हैं। देन आफ्टर क्या हुआ? ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ द वायरल जीनोम आरडीआरपी सिंथेसाइज हो गया। अब ये एक क्या है? नेगेटिव सेंस आरएनए है, ठीक है। नो, नेगेटिव सेंस आरएनए क्या करता है? एंटी जीनोम बनाएगा। दो अगर सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया है तो सिंगल स्ट्रैंडेड को टेम्पलेट चाहिए होता है, ठीक है, टेम्पलेट चाहिए होगा, तो टेम्पलेट के लिए वो एंटी जीनोम बनाएगा। एंटी जीनोम उसके एंटी है तो मतलब उल्टा होना चाहिए, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव एंटी जीनोम बनेगा। दैट इज़ यूजेस एज अ टेम्पलेट, जो कि आपका टेम्पलेट की तरह यूज़ कर लेते हैं वायरसेस टू क्रिएट अ जीनोमिक नेगेटिव सेंस आरएनए। पूरा का पूरा नेगेटिव रहेगा पर आपका एंटी जीनोम है तो उसका स्ट्रैंड जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। ऐसा ही आपका पॉजिटिव सेंस आरएनए में क्या होता है? पॉजिटिव सेंस का होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड का बना होता है। पॉजिटिव सेंस जीनोम कैन एक्ट एज अ, इसमें क्या होता है, जैसे पॉजिटिव है उनको बनाना पड़ गया पॉजिटिव पॉजिटिव सेंस, ठीक है, आरडीआरपी के हेल्प से। यहाँ पे पॉजिटिव है तो वो अपने आप ही एमआरएनए की तरह काम कर सकता है, ठीक है। ये बात याद रखने वाली है कि पॉजिटिव सेंस आरएनए कैन एक्ट एज अ एमआरएनए, इट कैन डायरेक्टली ट्रांसलेटेड इनटू द वायरल प्रोटीन, ठीक है। तो ये डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाता है, तो एमआरएनए है क्योंकि ये खुद पॉजिटिव सेंस है, तो ये डायरेक्ट प्रोटीन को सिंथेसाइज कर देगा, तो ट्रांसलेशन का काम हो जाएगा। बाय दी सब कुछ करेगा तो वो होस्ट के मैकेनिज्म से ही, ठीक है, क्योंकि वो ऑब्लिगेट पैरासाइट है, होस्ट का मैकेनिज्म लेकर ही अपना काम करेगा और होस्ट का काम तमाम कर देता है, ठीक। बहुत अच्छे से पता चल गया अब हम लोगों को। अब यहाँ पे आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ रेप्लिकेशन, कि इनका रेप्लिकेशन का मोड क्या होता है, रिप्रोडक्शन का मोड क्या होता है, कैसे ये अगर इन्फेक्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को या किसी पेड़ को या किसी प्लांट को, तो उसमें ये कौन सा पाथवे यूज़ करते हैं रेप्लिकेशन करने के लिए, क्योंकि हमको पता है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट है तो इनको चाहिए होगा होस्ट का जीनोम। तो पहला क्या हो गया? पहला है वायरल रिप्लिकेशन होगा। एज वी नो दैट द वायरस आर ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट, ऑब्लिगेट है, इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है, अंदर जाएंगे तब पैरासाइट बनेंगे, ठीक है। दे यूज द होस्ट मैकेनिज्म फॉर द रेप्लिकेशन। दिस वी नो अर्लियर फ्रॉम अर्लियर ऑल्सो फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्लास आई हैव टोल्ड यू पीपल दैट दीज आर ऑब्लिगेट इंट्रा सेलुलर पैरासाइट। इसके अलावा भी मैंने बहुत सी बातें बता के रखी हैं, अगर जो ये पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो उससे पहले प्लीज़ जनरल करेक्टरिस्टिक्स जाकर देख लीजिए, उसके बाद आप अगर सिम्टम्स देख लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। पर ये पहले देख रहे हो तो कुछ ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आने वाली हैं, वहाँ पे जाके पहले रिप्रोडक्शन, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सारी चीज़ें देख लेना, एक जिस्ट ले लेना, ओवरव्यू जिसको बोलते हैं, तभी जाके ये समझ में आएगा, ठीक है। इन वायरस वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ जीन्स हैव बीन इनकोडेड टू प्रोटीन एंड इनकोड देम फॉर, देखो वायरस में क्या होता है, अब मैंने होस्ट की मशीनरी लेकर रखी है तो ऐसा तो नहीं है कि मैं सब कुछ बना लूँ, जितना मेरा चाहिए मुझे वो सब मैं बना लूँ। मुझे बहुत लिमिटेड चीज़ें चाहिए, मुझे लिमिटेड चीज़ें चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए। वो लिमिटेड चीज़ें क्या हैं? कैस्पिड का फॉर्मेशन है, जब हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब तो हम देखेंगे इनवेलप होता है, तो ऊपर की लेयर जो होती है, जैसे मैंने बताया था जनरल करेक्टरिस्टिक्स में कि चेंज कर लेते हैं तो पता नहीं चलता कि वायरस कौन सा वाला है, ठीक है। कैस्पिड चाहिए हमें आरएनए और डीएनए बनाने के लिए, न्यूक्लिक एसिड चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाद में काम तो उसी से करना है। फिर मूवमेंट कराएंगे हम, कैसे जाएंगे होस्ट के अंदर, तो उसके लिए ऊपर का प्रोटीन भी तो बनाना पड़ेगा, प्रोटीन का कोड बनाएंगे तभी तो पता चलेगा कि हम किसके थ्रू अंदर जा रहे हैं, ठीक है। किसी चीज़ के थ्रू ही तो अंदर हम पहुँचेंगे ना, अगर हमको होस्ट के अंदर पहुँचना है तो वी नीड अ मीडियम, तो वो मूवमेंट और वायरस भी तो होना चाहिए। तो इन चीज़ों के लिए इनको अपने आप को रेप्लिकेट करना है, सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए रेप्लिकेट करना है, ठीक है। तो पूरा होस्ट का मैकेनिज्म अपना इन तीनों चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं।
दीज थ्री आर द मेजर कॉम्पोनेंट फॉर विच वायरस नीड टू रेप्लीकेट देमसेल्फ एज दे आर रिक्वायर दीज आर द मेन रिक्वायरमेंट फॉर रिक्वायर्ड दीज कॉम्पोनेंट्स। ठीक है, ये कॉम्पोनेंट्स जो होते हैं उनको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है इसकी, तभी तो वो रेप्लीकेट कर रही हैं, क्योंकि वो नहीं जियेंगे। ठीक है, उनको अपने जीने से मतलब है, होस्ट का पता नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, दे लीव द होस्ट सेल वेन दे हैव क्रिएटेड, सो मतलब एक आध बना कर नहीं कि एक आध बन गया तो चलो चलते हैं, हम होस्ट का सेल छोड़ के चल जाते हैं, जब तक कि उनका अच्छे से सारी चीज़ें बन नहीं जाती, अच्छे से उनका म्यूटेशन के पीरियड तक, मतलब आप वायरस एक जो होता है वो नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब थाउजेंड्स नंबर ऑफ टाइम्स जब रेप्लीकेट कर लेता है अपने आप को, तब उसमें म्यूटेशन आता है कहीं, तो उतना म्यूटेशन आने के लिए वो थाउजेंड्स ऑफ टाइम करेगा अपने आप को रेप्लीकेट, तब वो जाकर अपने होस्ट के सेल को छोड़ेगा, तब तक के तो होस्ट का सेल हो जाता है, आप समझ गए होंगे कि क्या हो जाता होगा होस्ट के सेल का, सारी मशीनरी उसकी यूज़ किए ले रहा है। ठीक है, और एक आध बना के नहीं निकल रहा है कि मैं एक आध बना लूँ अपना काम ख़त्म मेरा, चलो निकल लेते हैं, बहुत ढेर सारे बना के तब ही निकलेगा। ठीक है, अब क्या होता है, तो इसको बनाने के लिए हेल्प चाहिए होती है, किसकी हेल्प चाहिए होती है, बैक्टीरियोफेज भी, मैं यही पढ़ा दे रही हूँ। ठीक है, जब स्ट्रक्चर पढ़ाऊँगी तो स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफेज का और वायरस का दोनों का साथ में पढ़ाऊँगी। रोल ऑफ बैक्टीरियोफेज इन रेप्लिकेशन ऑफ वायरस, बैक्टीरियोफेज क्या होता है, पहली बार नाम सुना होगा, ये बैक्टीरिया नहीं होता है, बैक्टीरियोफेज इज़ अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया, अगेन आई एम टेलिंग यू दैट दिस इज़ नॉट अ बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफेज इज़ अ वायरस जो इन्फेक्ट करता है बैक्टीरियाज को। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन गोज थ्रू द सिमिलर स्टेजेस एज इन द इन बैक्टीरियोफेज, मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है इनका, अगर रेप्लिकेशन बोलूँ या मल्टीप्लिकेशन बोलूँ, जैसा एनिमल जीनोम में होता है या फिर एनिमल रेप्लिकेट करते हैं वैसे ही, दे कैन ऑल्सो रेप्लिकेट देमसेल्फ। तो एज आई हैव टोल्ड यू दैट वॉट इज बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया। मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, जैसे एनिमल में होता है, क्या होता है मेनली, यहाँ पे थर्ड पॉइंट जो लिखा है यहाँ पे, ओनली द न्यूक्लिक एसिड नीड टू बी एंटर इन टू द साइटोप्लाज्म, पूरे के पूरे बैक्टीरिया को अंदर जाने की ज़रूरत नहीं होती है, दे कैन एक्ट लाइक एन इंजेक्शन, जैसे इंजेक्शन होता है तो पूरा इंजेक्शन तो नहीं डाल देते हैं हम लोग बॉडी के अंदर, या पूरा इंजेक्शन लगाने लगते हैं आपको डॉक्टर लोग, ऐसा तो नहीं करते ना, पूरे मटेरियल जो होता है इंजेक्शन के अंदर वही लगाते हैं, तो इसीलिए सिर्फ न्यूक्लिक एसिड अंदर जाएगा, पूरे के पूरे वायरस को अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है होस्ट सेल के। अब यहाँ पे क्या होगा, दे आर इन्वॉल्व टू साइकिल्स, और यू कैन से टू पाथवेज आर इन्वॉल्व इन दिस बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेशन, और थ्रू इनका जो वायरस का रेप्लिकेशन होता है वो इन्फेक्शन अगर हमको कराना है, ठीक है, तब हम मतलब प्लांट में इन्फेक्शन हो रहा है तो ये दो साइकिल से होगा, नहीं तो, ठीक है, तो रेप्लिकेशन आपके में है लाइटिक साइकिल एंड लाइसोजेनिक साइकिल पे आते हैं क्वेश्चंस, ओके, एंड रेप्लिकेशन मोड भी है आपके में। स्टेप्स क्या होती हैं, अगर फेज रेप्लिकेशन की बात करूँ मैं, बैक्टीरियोफेज रेप्लिकेशन की बात कर रही हूँ मैं, बैक्टीरियोफेज है आपका सिलेबस में, तो इसका रेप्लिकेशन कैसे होता है, पहला तो ये अटैच करेगा, अटैचमेंट होगा, होस्ट सेल से अटैच करेगा या एडजॉर्ब करेगा, पहले मैं बता देती हूँ, फिर पेनिट्रेट करेगा, उसके बाद रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस विल बी हैपनिंग, फिर जितने भी आपके रेप्लिकेशन के बाद वायरस बनेंगे उनकी असेंबली होगी, सब साथ में होंगे, फिर मैच्योरेशन के बाद रिलीज हो जाएंगे, थोड़ा मैच्योर होंगे, एंड देन आफ्टर दे आर रिलीजिंग फ्रॉम द सेल। अब एक एक करके पढ़ते हैं, अटैचमेंट में क्या होता है, जितने भी वायरस हैं वो अटैच हो जाते हैं होस्ट से बाय द मीन्स ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन, वो प्रोटीन कौन सा होता है, VAP वैप प्रोटीन होता है, वायरस अटैचमेंट पार्टिकल भी बोलते हैं उसको, दिस इज़ नॉट, दिस इज़ अ प्रोटीन नहीं पार्टिकल होता है, ओके। फिर पेनिट्रेशन कैसा होता है, पेनिट्रेशन का मतलब होस्ट सेल के अंदर पेनिट्रेट करके जा रहे हैं, इधर द होल वायरस और द जेनेटिक मटेरियल, होल वायरस भी जा सकता है कभी कभी, ठीक है, या फिर तो जेनेटिक इंजेक्शन की तरह भी जा सकता है, और होल वायरस कैन ऑल्सो गो, ये इनके ऊपर है, जहाँ पे इनको तगड़ा वाला करना होगा इन्फेक्शन, वहाँ पे बैक्टीरियोफेज पूरा का पूरा ही गो जाता है, जहाँ पे हम रिकॉम्बिनेशन दिखाते हैं, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्निक्स में, वहाँ पे। फिर रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस में क्या होता है, रेप्लिकेशन एंड सिंथेसिस में आपका RNA और DNA डायरेक्ट होस्ट सेल के अंदर जाएगा,
अपनी कॉपीज बनाना शुरू करेगा, पढ़ लेगा होस्टल की मशीनरी, वहाँ पे बहुत ढेर सारे एंजाइम्स होंगे, तो वो पूरा रेप्लिकेशन की प्रोसेस हो जाती है। पर असेंबली जितने भी आपके वायरल बने हैं, न्यूक्लिक एसिड या फिर प्रोटीन, जितनी भी चीज़ें बनी हैं, वो सारी की सारी एक साथ आ जाएंगी। ठीक है, असेंबल मतलब क्या होता है, सारी चीज़ों को असेंबल कर लेना, साथ में कर लेना। ठीक है, उसके बाद कोई नया नया इन्फेक्शन होगा, नया इन्फेक्शन के लिए तैयार हो गए हम, फिर थोड़ा मैच्योर होंगे। ठीक है, वो भी पढ़ाई लिखाई करके मैच्योर हो जाएंगे कि हमको ये वाला इन्फेक्शन फैलाना है। कंप्लीशन ऑफ वायरस फॉर्मेशन, वायरल फॉर्मेशन हो गया और उसका प्रोटीन बन गया। मेनली जो होता है, अंदर प्रोटीन के थ्रू ही वायरस जाते हैं, अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी। ठीक है, तो आपको पता होगा वायरस के बारे में कि वायरस जो होते हैं वो अपने प्रोटीन कोट के थ्रू ही अंदर जाते हैं, जितने भी होस्ट सेल के अंदर होते हैं, क्योंकि जो होस्ट सेल का ऊपर का लेयर होता है और आपके वायरस के ऊपर का लेयर होता है, वो एक स्पेसिफिक होता है, ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए, तो उसी के थ्रू जाता है और वही वो हर बार चेंज कर लेता है ताकि हमारी बॉडी को पता ना चल पाए, एंटीबॉडी ना बन पाए। ठीक है, या फिर किसी भी, इवन इन प्लांट्स ऑल्सो द सेम केस विल बी अप्लाइंग। फिर रिलीज और लाइसिस क्या होता है, रिलीज का मतलब दूसरा मतलब नाम है आपका लाइसिस। न्यू वायरस बन गए, ढेर सारे अच्छे इन्फेक्शन देने वाले वायरस बन गए, उसके बाद क्या होगा, वो होस्ट सेल में जाएंगे, अपने आप को रेप्लिकेट या मल्टीप्लाई करेंगे, साइकिल्स चलेंगी, साइकिल में बैक्टीरियोफेज हेल्प करेगा। साइकिल दो तरीके की चलेंगी, एक लाइटिक साइकिल चलेगी, एक लाइसोजेनिक साइकिल चलेगी, जो हमको आगे के पार्ट में पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ तक ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लाइटिक पाथवे और लाइसोजेनिक पाथवे के बारे में पढ़ते हैं। लाइटिक पाथवे क्या होता है, लाइटिक पाथवे को हम वायरुलेंट फेज भी बोलते हैं। वायरुलेंट का मतलब होता है खतरनाक, तगड़ा खतरनाक। ठीक है, कि मतलब ये आपका तगड़ा इन्फेक्शन दे सकता है होस्ट के सेल में, विच कॉजेज लाइसिस और डेथ ऑफ द होस्ट सेल। इतना ज़्यादा यूज़ कर लेते हैं मशीनरी को कि हर एक सेल में जाकर ये तबाही में फैलाने लगते हैं, तो हर एक सेल में जाके डिस्ट्रॉक्शन करने लगेंगे, तो फिर तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा पूरा का पूरा, सेल का सेल डेथ हो जाएगी। ठीक है, सेल की डेथ हो जाने वाली है, एंड देन आफ्टर कोई काम ही नहीं बचेगा। सेल की डेथ हो गई, ये गायब हो गए, दूसरे हो उसको पढ़ के इनका काम हो जाता है, रेप्लिकेशन हो गया ना, तुम मरो जिंदा रहो आई डोंट केयर अबाउट। ठीक है, अपना काम बन गया, दे आर लाइक दिस ओनली। अंडर दिस कंडीशन द वायरल जेनेटिक मटीरियल इज रेप्लिकेटेड इंडिपेंडेंटली बाय द होस्ट डीएनए। ऐसे कोई कंडीशन आती है या फिर कुछ ऐसे सर्टन कंडीशंस आ गई, तो होस्ट के डीएनए से इन्होंने अपना रेप्लिकेशन करके उनको छोड़ दिया। उस कंडीशन में जब जो न्यू वायरस बनेंगे, फॉर्म होंगे, इन्होंने रेप्लिकेट कर लिया, तो वो सेल को बर्स्ट करके, होस्ट सेल को बर्स्ट करके, सोचो प्लांट का कोई पार्ट है जहाँ पर रेप्लिकेशन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर एप्लीकेशन हो रहा है, तो वो सेल को बर्स्ट करके निकलेंगे, देन दैट विल बी गोइंग टू बी हैविंग अ प्रॉब्लम, दैट प्लांट पार्ट हैविंग शुड हैव प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स ही बात है। लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस, अब एक वायरस बनता तो चलो एक सेल बर्स्ट करके निकल आया, लार्ज नंबर ऑफ वायरसेस आर रिलीज्ड एंड इनवेड टू द अदर सेल्स। एक सेल को ख़त्म कर चुके हैं, बहुत ढेर सारे वायरस बन गए, तो एक जगह थोड़ी ना टिके रहेंगे, वो जगह जगह पे जाके, जगह जगह के सेल्स पे जाके इन्वेड करेंगे, मतलब धाबा बोलेंगे, एंड देन दे आर गोइंग टू डिस्ट्रक्ट दैट सेल ऑल्सो, फिर वहाँ की मशीनरी को यूज़ करेंगे। दिस डिस्ट्रक्शन इज़ नोन एज लाइसिस, इसी डिस्ट्रक्शन को हम लोग लाइसिस बोलते हैं। ठीक है, और लाइटिक क्या होता है, किलिंग ऑफ द सेल, किलिंग ऑफ द सेल इज़ नोन एज लाइटिक, इसीलिए इसको लाइटिक पाथवे बोला जाता है। ओके, दिस वायरस इज सेट टू बिकेम अ वेरी डेंजरस फॉर द होल सेल एज दे आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय द होल सेल वन बाय वन, एक सेल के बाद एक एक करके सारे सेल्स की डेथ हो जाती है, तो दिस इज़ अ लाइटिक साइकिल। अब लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में देख लेते हैं, वॉट इज लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइसोजेनिक साइकिल एक टेम्परेट फेज होता है, लाइसोजेनिक साइकिल का टेम्परेट फेज होता है, कि मतलब दे कैन गो लाइसोजेनिक, जो लाइटिक साइकिल थी वो तो मतलब तबाही मचा देने वाली थी, पर ये है थोड़ी नॉर्मल है, मतलब ये छोड़ देगी, थोड़ी कोताही बरत जाएगी। ठीक है, कि इट इज़ लाइक अ टेम्परेट, तो प्रोफेज बोल देते हैं। प्रोफेज क्यों बोल देते हैं, फेज डीएनए इनकॉर्पोरेटेड इन द होस्ट सेल, जो फेज का डीएनए है वो इनकॉर्पोरेट कर जाता है होस्ट सेल के डीएनए से,
बिल्कुल होस्ट सेल के डीएनए से जाकर मिल जाएगा, ठीक है। दिस इज हैपन्ड व्हेन द एनवायरनमेंट, अब ये क्या होगा, ये जो लाइसोजेनिक साइकिल है वो तब तक चलती है जब तक एनवायरनमेंट फेवर करता है, या फिर तो एनवायरनमेंट जो होता है वो लाइटिक को नहीं होने दे रहा होता है तब लाइसोजेनिक चल जाती है। अगर एनवायरनमेंट ठीक ठाक है तो लाइटिक साइकिल ही चलेगी, उसका काम है कि वो इन्फेक्शन करे। अगर एनवायरनमेंट मिल रहा है तो वो इन्फेक्शन करेगा, बट अगर उसके इनअप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट मिल रहा है तब ये लाइसोजेनिक साइकिल चलेगी, ठीक है। अगर ऐसा नहीं हो रहा तो फेज जो होगा वो कन्वर्ज कर जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा, कन्वर्जन हो जाएगा तो लाइटिक साइकिल चल जाएगी। अगर इनके अकॉर्डिंग है तो ये चलेंगे, नहीं तो फिर ये लाइटिक साइकिल को दे देंगे कि भैया आप चलिए, तो इंटर कन्वर्जन होता रहता है। स्पेशलाइज्ड यहाँ पे दिखाई देता है, एक चीज़ दिखाई देती है जो होती है स्पेशलाइज ट्रांजक्शन, ट्रांसडक्शन और रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है यहाँ पे, अभी हम आगे देखेंगे इसको। इन दिस पाथवे वायरस डज नॉट किल द होस्ट सेल आउटराइट, इसमें मार नहीं डालता है, ठीक है। होस्ट का जीनोम यूज़ करेगा, होस्ट का डीएनए यूज़ करेगा, उसमें जाके ट्रांसडक्ट हो जाएगा, बट आर नॉट गोइंग टू किल दैट होस्ट सेल। दे आर यूजिंग द होस्ट मशीनरी ऑफ कोर्स बिकॉज दे आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बट दे आर नॉट गोइंग टू किल दैट होस्ट। इंस्टेड ऑफ अ वायरल एंजाइम, सॉरी, इंस्टेड ऑफ अ वायरस एंजाइम, देर इज अ स्पेलिंग ऑफ एंजाइम इज हेयर इज रॉन्ग, यू नीड टू करेक्ट इट बाई योर ओन, ओके। एन लखनऊ, इंस्टेड अ वायरल एंजाइम कट्स, ये अब क्या करता है, किल नहीं करेगा, पर क्या करेगा, किल ना करके वो वायरल एंजाइम होता है जो वो होस्ट सेल के डीएनए को क्लीव कर देगा, क्लीव मतलब काट देगा, होस्ट सेल के डीएनए को काट दिया, फिर अपने डीएनए को डाल देगा, होस्ट सेल के डीएनए को काट के अपने डीएनए को होस्ट सेल के डीएनए में डाल देगा, इसीलिए इनकॉर्पोरेट बोला गया था, ठीक है। द इंसर्शन डीएनए इज प्रो वायरस, जो इंसर्शन डीएनए होगा, जो बाद में वायरस का डीएनए गया है होस्ट के डीएनए में मिल गया है, इनकॉर्पोरेट हो गया है, उसको हम प्रो प्रो वायरस या प्रोफेज बोलेंगे। यस, प्रो वायरस और प्रोफेज बोलेंगे। वेन एवर एन इन्फेक्टेड सेल प्रिपेयर्स टू डिवाइड द रिकॉम्पोनेंट मॉलिक्यूल इज रेप्लिकेटेड, अब अगर इनकॉर्पोरेट हो गया है होस्ट सेल के जीनोम से, ठीक है, डीएनए से, तो जब भी होस्ट सेल का डीएनए रेप्लिकेट करेगा तो उसके साथ वायरस का डीएनए रेप्लिकेट करेगा, ऐसे ही वायरस का काम अपना चलता रहेगा। दिस प्रोसेस विल गो विद द होस्ट सेल एवरी टाइम व्हेन इट गोज फॉर रेप्लिकेशन, जैसे जैसे होस्ट सेल रेप्लिकेट करेगा वो उसके साथ रेप्लिकेट करता चला जाएगा। दिस रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल गेट पास्ड ऑन टू द ऑल द सेल्स डिसेंडेंट्स, उसके जितने भी सेल जितने भी डिसेंडेंट सेल होंगे उसके सारे में वो पास ऑन होता चला जाएगा। वन द एनवायरमेंट कंडीशन फेवर द लाइसिस फेज, देन दिस लाइसोजेनिक फेज अंडर गोज एंड डोमेंट कंडीशन, डोमेंट कंडीशन में चला जाता है, मतलब फेज कन्वर्जन हो जाता है। अभी तक मेरा काम था, मतलब तुम्हारे तुमको फेवर नहीं कर रहा था ये चीज़, तो मैं काम करे ले रहा था तुम्हारा, बट काम तो इन्फेक्शन फैलाना है ना, तो लाइटिक फेज का अब आ गया वक्त, फेवर करने लगा एनवायरनमेंट लाइटिक फेज को, तो लाइटिक फेज चलने लगेगा, तो ये कन्वर्ट कर जाएगा, अपने आप ही कन्वर्ट कर जाता है। अभी जब हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे तो हम समझ जाएंगे कि कन्वर्ट कैसे कर जाता है, ओके। तो ये देखिए आप कि पहला जो है ए से शुरू करते हैं, ये वायरस है, वायरस पार्टिकल बाइंड किया, ये देखिए अगर आपको बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर देखना तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द वायर, ये आपका बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर है, अगर इसको हेड बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये जेनेटिक मटेरियल होता है ऐसा, तो ये जेनेटिक मटेरियल हो गया, ये आपको डीएनए मॉलिक्यूल बोला जाता है, ये शीथ होती है जो ऐसे करके आ रहा है, दिस इज़ अ शीथ, और ये जो हेक्सागोन में बन रहा है, ठीक है, इसको हम हेड बोलते हैं, इसको हम हेड बोलेंगे, ठीक है। इसके अंदर वायरल का जीनोम होता है, तो डीएनए मॉलिक्यूल हो जाएगा, ये है आपका शीत, शीत हो गया, एंड देन बीच में होता है कोर, मतलब ये बहुत लंबा सा होता है, तो शीत के बाद आता है कोर, कोर पार्ट हो जाता है, एंड देन जो ऐसे पैर जैसे दिखाई दे रहे हैं मकड़ी के, काइंड ऑफ, दिस इज ओनली काइंड ऑफ स्पाइडर्स लाइक,
तो स्पाइडर लेग जैसे दिखाई दे रहे हैं, इनको हम बेसल प्लेट बोलते हैं या टेल फाइबर बोलते हैं, बेसल प्लेट या टेल फाइबर बोलते हैं। तो ऐसे ही बैक्टीरियोफेज होते हैं, और वायरल्स भी जो आपका जहाँ तक मतलब अलग अलग, जैसे टोबैको मोजैक वायरस इज अ काइंड ऑफ डिफरेंट, तो वो हम जब शेप और साइज पढ़ेंगे उसका तब हम आपको बता देंगे कि कौन सा कैसा होता है। ठीक है, ये पहले पढ़ लेते हैं। वायरस पार्टिकल बाइंड कर गया वॉल से के जो भी आपका सूटेबल होस्ट होगा उससे, वायरस जो होगा वो जेनेटिक मटेरियल एंटर कर देगा साइटोप्लाज्म में और अटैच कर देगा, पेनिट्रेशन हो जाएगा ना उसके बाद का, पेनिट्रेशन ही तो होना था, अटैच हो गया फिर पेनिट्रेट कर गया। पेनिट्रेट करने के बाद आपका वायरल डीएनए डायरेक्टली डायरेक्ट चला जाएगा होस्ट मशीनरी में, होस्ट मशीनरी ले लेगा और अपने आप मतलब अपनी कॉपियाँ बनाना शुरू कर देगा। फिर ढेर सारी कॉपियाँ यहाँ पे बन गई तो असेंबली हो जाएगी, असेंबली होने के बाद मैच्योर कर गए, मैच्योर करने के बाद ये देखिए लाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है सेल फट के, मतलब बर्स्ट होकर निकलता है। तो सेल अगर बर्स्ट हो जाएगा तो उसके अंदर के सेल ऑर्गेनल्स तो काम करना बंद ही कर देंगे ना, तो ये सेल बर्स्ट करके निकलता है और वो सेल डेथ हो जाता है, इसीलिए इसको लाइटिक बोलते हैं, किलिंग ऑफ द सेल। अब ये हो गया आपका, ये यहाँ तक था आपका, जब ये इतना पार्ट था, ये मुझे जब आपको दे दूंगी ना तब आप कायदे से देख लीजिएगा, जिन बच्चों ने लेके रखा है सब्सक्रिप्शन प्रीमियम वाला उनको ये पूरा दिख जाएगा, तो उनको जब वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली देखेंगे तो दे कैन बी अंडरस्टैंड। अब ये वहाँ ऊपर वाला क्या पार्ट था, असेंबली तक आपका मैच्योर हो गया, रिलीज हो गया, लाइसिस हो गया, आपका लाइटिक फेज था, ये लाइसोजेनिक फेज आ गया। जैसे ये है आपका, अब वायरस का जीनोम भी है और आपके वायरल जीनोम भी है और नॉर्मल जीनोम भी है बैक्टीरिया का। ठीक है, अब क्या करेगा लाइसोजेनिक फेज में, लाइसोजेनिक पाथवे, वायरल डीएनए यूजुअली बिकेम इंट्रीगेटेड, यूजुअली इट विल बी इनकॉर्पोरेटेड और यू कैन से इंट्रीगेटेड हो जाएगा। उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट विल इट विल बी डूइंग, ये क्या करेगा, जैसे प्रोकैरियोटिक फिजन होता है वैसे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक फिजन देखने को मिलेगा और रेप्लिकेट हो जाएगा वायरल डीएनए, मतलब यहाँ पे होस्ट के डीएनए से इनकॉर्पोरेट कर गया है। अब जैसे यहाँ पे फरोइंग दिखाई दे रही है आपको, बाइनरी फिजन में जैसे दिखाई पड़ती है फरोइंग, वैसे यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाएगा, दो डीएनए बन जाएंगे, एंड दो डीएनए बनने के बाद पूरी फरोइंग हो गई, दो सेल्स बन गए। अब यही सेल्स एक्साइज हो जाके, अब यहाँ पे इनको ये हो गया दो सेल्स बन गए, तो वैसे इन्होंने रेप्लिकेट कर लिया, जब तक इनकी ये लाइसोजेनिक साइकिल के लिए फेवर कर रहा है एनवायरनमेंट तब तक ये चलेगा, नहीं तो यही जो है वो वापस से जाकर ये लाइटिक फेज में कन्वर्ट हो जाता है, ढेर सारे इनके सेल्स बन गए, ढेर सारे सेल्स बन चुके हैं। ठीक है, तो यही जाके वायरल डीएनए की कॉपियाँ तो हैं ही, तो कॉपियाँ होने के बाद असेंबली के बाद वो जाकर मैच्योर होकर रिलीज हो जाएगा, लाइसिक साइकिल बन गई। अब जब वो रिलीज होगा तब तगड़े से रिलीज होगा, सेल बर्स्ट करके लिए रिलीज होगा। ठीक है, इसीलिए उसको बोला जाता है कि वो वायरलुएंट होता है और ये थोड़ा इंटरमीडिएट होता है, मॉडरेट होता है, इतना ज़्यादा नहीं इफेक्ट करता है प्लांट को। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। इससे पहले वाली वीडियोस प्लीज़ देख लीजिएगा, और आपकी वीडियोस बिल्कुल टाइम पर आ रही हैं अब। ठीक है, देर वॉज अ डिले इन द वीडियोज़, ओके, इन अपलोडिंग द वीडियोज़, बट नाउ दे आर ऑन टाइम, सो आई थिंक कि आपका सिलेबस विल बी कम्प्लीटेड बिफोर द टाइम, डू नॉट वरी अबाउट इट, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, देन देर इज़ अ नो नीड टू बी वरी अबाउट योर सिलेबस, वी आर विद यू एंड देयर कॉमेंट्स आर ऑल्सो कमिंग, यू नीड टू फॉर अ प्रॉपर नोट्स, जैसे ये मैंने नोट्स बनाए हैं ये आपको मिले, आप उसको पढ़ पाएँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन की लिंक दे दी गई है वहाँ पे, मेंटोरिंग, MCQ, PYQ, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट, कीप सपोर्टिंग अस।